धन्यवाद हमारी जुगलबंदी देखने आने के लिए वापस क्विक सक्सेशन में। दोस्तों, बस संयोग नहीं है ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना, सिर्फ संयोग नहीं है ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना, लक्ष्य बस एक है, कांग्रेस सरकार और सिद्धरमैया को डराना धमकाना, एक ही है सिर्फ ये। और संस्थानों को किस प्रकार भाजपा बना रही है लोकतंत्र के लिए अभिशाप, आइए भाजपा की वॉशिंग मशीन में यहाँ धुल जाते हैं सभी पाप। ये कहानी ये वाली है और मैं इसको आपको कई अंशों में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि दूसरे सिद्धरमैया केस को डील करने में, नहीं तो मैं इस केस में नहीं बोलता, अभी तक ये केस शुरू नहीं हुआ, मैं इस पे पेश नहीं हो रहा हूँ, इसमें बोल सकता हूँ। बट इट इज वेरी क्लियर दैट द ईडी इज नाउ प्लेइंग हिटिंग एंड ट्राइंग अटमोस्ट टू गो बिलो द बेल्ट, टू ब्राउबीट, टू बुलडोज एंड टू बुली ए इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट, ए इलेक्टेड सीएम। एंड एज वी हैव सेड मेनी टाइम्स एंड आई हैव द प्रिविलेज ऑफ सेइंग फ्रॉम हियर, the ED is nothing but the election department of the BJP. You can also call it, in fact, more appropriately, the election demolition branch of the BJP. Elected governments, destabilize, demolish, that is the job. Now first let me give you a few figures and backdrop about the ED, and then I'll come to the Siddaramaiah case, so called. From June 14 to 24, 25 opposition leaders switched to BJP from 14 to 24. 23 of them got reprieve. Let me tell you one thing. आपको बताया जाता है कि बहुत कम ऐसे केस हैं जो राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ये मिथ्या प्रचार है, ये अश्वत्थामा हतो वाली आधा सच है। ये बात सही है कि जो पूरे सामूहिक केस हैं ईडी के, उनमें राजनीतिक केस कम होते हैं, लेकिन ये प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न सही है कि जो राजनीतिक केसेस हैं उसमें विपक्ष के विरुद्ध कितने हैं और सत्तारूढ़ के विरुद्ध कितने हैं। आपको आंकड़ा मिलेगा 95% प्लस विपक्ष के विरुद्ध है उस कैटेगरी में, जहां की राजनीति की इन्वॉल्व है, जहां कॉर्पोरेट इन्वॉल्व, वहां ये मुद्दा उठता ही नहीं है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें अलग अलग तरह के सभी कैटेगरीज हैं। पहली बात, जो कन्विक्शन रेट है उसको 0.75 से कम माना गया है, यानी 0.1%। अगर आप सिर्फ एक प्रदेश को लें, महाराष्ट्र को, विशेष रूप से 2022 और 2023 के समय को, तो जितने लोगों ने उस सरकार को तोड़ा, दल बदल किया, अस्थिरता पैदा की, उन सब के केसेस ठंडे बस्ते में हैं, सब में क्लोजर रिपोर्ट है। और मजे की बात तो यह है कि बेल पे विरोध नहीं किया जाता है। एक हास्यास्पद केस है जिसमें वकील आके कहता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन बदल गए हैं, रिहाई होती है, अनेक क्लोजर रिपोर्ट्स हैं। और ये सूची वॉशिंग मशीन वाली बढ़ती जा रही है अखिल भारतीय स्तर पे और अलग अलग विभिन्न पार्टियों के स्तर पे, जहां से अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न किया है बीजेपी ने और दलबदली करवाई है। ये नाम जाने माने हैं। हेच्चिन वीडियो गलिगे प्रतिध्वनि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माड़ी, बेल आइकॉन क्लिक माड़ी।